अचानक आज पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक पोस्ट आता है और जो पूरी तरह से गहमा गहमी मचा दिया है। क्या है पूरी सच्चाई, पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते के बारे में क्या चाहते हैं, क्या वो फिर से हमें साथ में दिखे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही है। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी जोड़ी फिर से हमारे बीच आ जाए, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप उनके लिए जरूर कुछ कमेंट करें। चलिए बात करते हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते के बारे में। ज्योति सिंह ने क्या लिखा है, आप सभी को बता दूं कि ज्योति सिंह ने एक आईने के साथ पोस्ट करते हुए ये लिखा कि रिश्ते की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था रिश्ते की सच्चाई। लेकिन जो भी हो, कुछ बातें अभी सामने आती है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हो गए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आज भी ज्योति सिंह अपने नाम के साथ पी लगाना कभी नहीं भूलती है, हमेशा ज्योति पी सिंह लिखती है। और यह भी काफी बातें तुल पकड़ रही है कि पवन सिंह के बर्थडे में ज्योति सिंह नहीं पहुंची, ज्योति सिंह के बर्थडे में पवन सिंह नहीं पहुंचे, बहुत सारी बातें सामने आ रही। लेकिन ज्योति सिंह का ऐसा पोस्ट लोगों को झकझोर दे रहा है। इससे पहले भी ज्योति सिंह का एक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भले ही लेट शादी करो पर गलत शादी मत करो। ऐसे ऐसे पोस्ट के बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते पे सवाल उठने लगते हैं। पवन सिंह के कुछ ऐसे फैंस हैं जो चाहते हैं कि पवन सिंह जी का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसा आता है तो हम पूरी पड़ताल के साथ न्यूज़ बनाते हैं। आप सभी को बता दूं कि हमारे इंस्टाग्राम पे हमें इस बात के बहुत सारे डीएम आए थे कि आखिर ज्योति सिंह ने ऐसा क्या पोस्ट किया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप उनके स्टोरी में जाकर देख सकते हैं। और मैं बस यही दुआ करूंगी कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो जाए और भोजपुरी को आगे बढ़ाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।